तो अभी आज बनाऊंगा भाई पोहा, ये देख सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो निकल के रेडी हो चुका है पोहा गर्मा गर्म। ये देख सकते हो ये कोढ़ा लोडिंग हो रहा है, फर्स्ट वाली टर्निंग चालू। इतना ज्यादा खराब हो गया ना भाई साहब ये रास्ता कि इसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता। मोर तो सादा है भाई। हेलो तो भाई लोग क्या हाल चाल, सुबह की गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ बढ़िया होंगे मस्त होंगे। तुम्हारे नए ब्लॉग में फिर से स्वागत करता है आप लोगों का अजय भाई। तो दोस्तों इस समय हम लोग हैं केशकाल में, जैसे कि आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा था कि केशकाल में लोडिंग करने के लिए आया था नारायणपुर से खाली करके। हालांकि कल लाइट में हम लोगों का लोडिंग नहीं हो पाया, लेकिन आज हम लोगों की गाड़ी लोडिंग हो जाएगी। और जो माल भरना था यहाँ से 6-7 टन माल है, 2-3 टन और भरना है, वो आएगा भाई नारायणपुर से, उसके बाद में माल लोडिंग होगा। बाकी ये वाली गाड़ी आई है सामने में देख सकते हो, राजनांद गांव से महुआ भरा हुआ है पूरा इसमें, ये देख सकते हो। तो ये गाड़ी खाली होगी, फिर उसके बाद में हम लोग ये गाड़ी लोडिंग होगी। जो भी 6-7-8 टन है जो लोड हो जाएगा यहाँ से, फिर उसके बाद में वो जो माल आ रहा है वो लोड हो जाएगा, नहीं आएगा तो फिर इसी माल को लेके हम लोग निकल जाएंगे। हालांकि अभी वही तिरपाल वगैरह तो कल मार ही लिया था, लेकिन अभी पानी उसमें जमा हुआ है तो उस पानी को चलते हैं पोंछते हैं। पहले बढ़िया से साफ सुफ कर लेते हैं, तिरपाल वगैरह बिछा के रखते हैं अपने तरफ से, काम मतलब रेडी करके रखते हैं ना। तो चलते हैं पहले पीछे का तिरपाल वगैरह, मतलब जो नीचे में डाला में पानी जम गया ना, कल पानी वगैरह गिर गया था तो उसी सब को तो ये लिया है भाई साहब बोरा, और ये देख सकते हो पानी कहीं कहीं जमा हुआ है तो इसी सब को पोंछना है ना। पूरा इसको पोंछ लेते हैं। तिरपाल वगैरह पूरा बिछा के हमने रेडी कर दिया है, ये देख सकते हो। बाकी पोछा वगैरह भी पूरा लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पे कहीं कहीं पे छेद है ना, ये देख सकते हो, तो इसके वजह से टप मानना पड़ा, नहीं तो पिछली बार जैसे भर के लेके गए थे ना उसी तरीका से भी लेके जा सकते थे। लेकिन इस बार पानी वगैरह भी ज़्यादा गिर रहा है, उस समय तो पानी का उतना ज़्यादा मौसम भी नहीं था, और ये रस्सा से मार दिए तो फटाक से पानी सब साइड हो जा रहा है, ठीक है। चलते अभी फ्रेश वगैरह हो जाते हैं, मुँह कान धो लेते हैं, नहीं तो नहाएंगे, बगल में टैंकी है वहाँ पर नहाएंगे, उसके बाद में खाना पीना बनाने का भी जुगाड़ करना पड़ेगा, ठीक है। यही सब काम है सुबह सुबह, फाइल पानी भी चेक कर लेते हैं, अभी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं ना चालू हो गया, देख रहे हो ऑयल वगैरह नाप लिए, बढ़िया है ऑयल, लेकिन जल गया है भाई साहब ऑयल। और ये देखो पानी भी गिरना चालू हो गया, गाड़ी इधर खाली हो रही है इन लोगों की। अब देखो हम लोगों की गाड़ी कितने बजे लोडिंग होगी, बाकी बर्तन वगैरह भी धोना है, बर्तन पड़ा हुआ है। लोग 12 बज चुके हैं, पानी वगैरह भी गिरना बंद हो गया है, तो अभी बर्तन वगैरह धो धा के मैं नहा धो के भाई रेडी हो चुका हूँ। तो अभी आज बनाऊंगा भाई पोहा, ये देख सकते हो पोहे रखे हुए थे, तो पोहे बनेंगे आज पोहे। यहाँ पर मटेरियल भी कट के रेडी है, तो स्टार्ट करते हैं गैस, और टमाटर भी डाल देंगे, ठीक है। और लोडिंग का भी पता नहीं है, माल आ रहा है आ रहा है बोल रहे हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा है मेरे को कितने बजे आएगा, कितने बजे लोडिंग होगी, लेकिन आज की डेट में निकल जाना है। पोहा में मूंगफली डालता तो और भी बढ़िया लगता, लेकिन मूंगफली मिला नहीं। आज शनिवार है ना, तो आज शनिवार क्या केशकाल बंद रहता है, सब मार्केट सब थोड़ा बंद रहता है, इसकी वजह से नहीं मिला। बाकी अपने पास तो लहसुन पेस्ट भी है, खैर लहसुन पेस्ट मेरे ख्याल से डालता है कि नहीं डालता है, डालता है डालता है, ठीक ठीक पेस्ट नहीं टुकड़ा टुकड़ा डालता है, लेकिन हम पेस्ट डालेंगे। और जीरा कहाँ है भाई, जीरा निकालो। ये चला भाई साहब जीरा जी, और प्याज भी डल गया, अब इसको कर लेते हैं बढ़िया से फ्राई। अब जाएगा दोस्तों इसमें टमाटर, इसको कर लेते हैं बढ़िया से मिक्स, और डाल देते हैं इसमें नमक, नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट डल गया है, अब इसको कर लेते हैं बढ़िया से मिक्स और पकने देते हैं, फिर उसके बाद में अपना यहाँ पर पोहा को भिगा के तुरंत डाल देंगे, है ना, मसाला वगैरह सब डाल देते हैं इसमें, बढ़िया फ्राई कर लेते हैं। डाल दिए दोस्तों धो धा के बढ़िया से, अब इसको कर लेते हैं मिक्स, है ना। बढ़िया से इसको मिक्स करके बनाते हैं, नमक मिर्ची लहसुन वसुन सब डल गया, थोड़ा सा चिपक रहा है,
पोहा बनके भाई रेडी हो चुका है, जो कि देख सकते हो बहुत ही बढ़िया बना है हम लोगों का पोहा, मस्त सा। बस मूंगफली की कमी हो गई, लेकिन क्या करें कोई ना। तो देख सकते हो निकल के रेडी हो चुका है पोहा गर्मा गर्म, और यहाँ पर प्याज भी रखे हुए थे देख सकते हो बचा के, क्योंकि खाने का काम देगा कह के ना। मिक्सचर लाना भूल गया, कुरकुरे के साथ दबाते हैं है ना, मजा आ जाएगा। ये तो सेव लेके आना था, सेव भूल गया, कोई दिक्कत नहीं चलेगा भाई। आ जाओ आप लोग भी, एक बजने वाले मेरे ख्याल से, 12:30 हो चुके हैं, तो अभी हो रहा है हम लोगों का खाना। दोस्तों इस समय बच चुके हैं 4 और माल वगैरह सब कैंसल हो रहा है, क्योंकि 4-5 टन माल पड़ा हुआ है इसके वजह से, तो गाड़ी हम लोगों की लोडिंग यहां से नहीं हो पाएगी। दोस्तों अभी आ चुके हैं हम लोग लोडिंग में, तो अभी दोस्तों क्या कहते हैं लोडिंग होना भी चालू हो चुकी है, गाड़ी को लेके आए हैं दूसरी जगह पे। ये है गोडाउन, ये देख सकते हैं, और दिखाता हूँ मैं आप लोगों को क्या माल लोड हो रहा है। बाकी मौसम अभी बना रखा हुआ है, खैर हमने तिरपाल मार के बढ़िया काम किया, इसको ही बंद कर देते हैं, दिन भर चल रहे हैं, फिर बैटरी ऐसे तो डाउन नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है। और लोडिंग हो रहा है इसमें भाई कोढ़ा, जो कि दिखाते हैं आप लोगों को, ये देख सकते हो ये कोढ़ा लोडिंग हो रहा है, चना लोडिंग होगा सोचे थे लेकिन कोढ़ा लोडिंग हो रहा है, ये चेक करो। दो सौ कट्टा लोडिंग होगा भाई साहब, 50-50 केजी के हैं, 200 कट्टा केजी लोडिंग होगा, तो आप लोग जोड़ लो कितना टन लोड हो जाएगा गाड़ी पे, है ना। चुके हैं दोस्तों गाड़ी हम लोगों की लोडिंग हो चुकी है, बाकी ये लोडिंग जो हुई है रायपुर के लिए कोढ़ा खाली करते हैं कल पहुंच के, बाकी अभी केसकाल से हम लोग घाट भी उतरेंगे भाई साहब, अब आगे घाट वाला एरिया अपना चालू हो जाएगा, क्योंकि पूरा केसकाल तो लगभग हम लोग पारी कर लिए। पिछली बार इस रास्ते से गए थे हम लोग, मैनपुर गए थे विश्रामपुरी होते हुए, अब यहाँ से घाट अपना स्टार्ट हो जाएगा, बस भगवान के दया से जाम ना लगा रहे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट वाली टर्निंग चालू, इतना ज़्यादा ख़राब हो गया ना भाई साहब ये रास्ता कि इसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता। दूसरा टर्निंग, आप लोगों को बता दूं इसमें पूरा 10 टर्निंग पड़ता है। अब ये गाड़ियां देखो भाई साहब, इधर ही रुकना पड़ेगा हमको, फाइनली दोस्तों उतर चुके हैं घाट से, घाट वाला सेक्शन खत्म हो चुका है। नज़ारा दोस्तों देख सकते हो कितना ही ब्यूटीफुल दिख रहा है, जो कि गाड़ी साइड में लगी हुई है हम लोगों की, और इधर देख सकते हो पहाड़ वगैरह बहुत ही बढ़िया सा, और शाम का टाइम है, ये चेक कर सकते हो। तो भाई साहब यहीं पे रुके हुए थे, मौसम का थोड़ा सा आनंद उठा रहे, और पीछे में पानी वगैरह भी गिर रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं गिर रहा है, केसकाल जैसे घाट से उतरे ना उसके बाद में पानी गिरना चालू हो गया था, तो मैं सोचा भाई यहीं पे रुकते हैं, थोड़ा सा मौसम का भी मज़ा ले लेते हैं, और हवा नहीं चल रहा है, बस बात यह है, हवा चलता तो और भी बेहतरीन लगता।
बाकी गाड़ी चालू है, चलते यहाँ से निकलते हैं, है ना। तो दोस्तों अभी रुके हुए थे हम लोग धमतरी से 10 किलोमीटर पहले, ढाबा वगैरह पड़ता है वहाँ पर। यहाँ पे नहा धो के पूरा चंगा हो चुके हैं, अगरबत्ती वगैरह लगा दिए हैं और वेट कर रहे हैं अपने दोस्तों का जो कि आ रहे हैं। उसके बाद में हम लोग खाना पीना खाएंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। देख सकते हो ढाबा यहीं पे रुके हुए हैं, इस ढाबा में खाना वाना खाएंगे यहाँ से, फिर उसके बाद में निकला जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वो लोग आते हैं, फिर उसके बाद में खाना वाना खा के रायपुर के लिए रवाना होंगे हम लोग। पूरा रायपुर नहीं जाएंगे क्योंकि रायपुर जाएंगे तो भाई मच्छर वगैरह पूरा खा जाएंगे हम कोई, है ना। उससे अच्छा रायपुर से पहले पहले रुक जाएंगे कहीं पे, तो उन लोगों का वेट करते हैं भाई साहब हम लोग। तो दोस्तों भैया लोग तो आ चुके हैं और खाना ऑर्डर कर दिया हम यहाँ पे, सेव भाजी मंगवाए हैं और ये लोग खा रहे हैं भाई साहब बिरयानी। और हम क्यों नहीं खा रहे हैं, क्योंकि आज जगन्नाथपुरी मंदिर का मतलब पूजा है, रथ यात्रा है, इसके वजह से नहीं खाएंगे। बाकी खाना वाना खा के दोस्तों निकलते हैं, यहाँ पे भीड़ भड़का बहुत ज़्यादा है, शोर शराबा बहुत है। तो दोस्तों इस समय रात के बज चुके हैं 10:30 और खाना पीना खा के निकल चुके हैं। हालांकि मैं अपने लोगों दोस्तों से मिलवाता, लेकिन वो लोग कर रखे थे भाई ड्रिंक, इसके वजह से मैं नहीं मिलवाया। और बाकी खाना खाने का टाइम भी आप लोगों ने देखा, चुपचाप खा लिया, उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया क्योंकि भाई ड्रिंक कर रखे थे, फिर आप लोगों ब्लॉग में लाता तो अच्छा नहीं लगता, इसके वजह से मैं ब्लॉग में नहीं लाया। बाकी अभी मैं निकल चुका हूँ और अभी मैं बाईपास में हूँ, अपना क्या कहते हैं धमतरी बाईपास में हूँ, तो इसी में चल रहा हूँ। आगे से हम लोगों को कटना है बखारा रोड के लिए, पुराना धमतरी रोड होके हम लोग सीधा निकल जाएंगे। बाकी मैं रुकूंगा, पहले रुक जाऊंगा रायपुर से पहले रुक जाऊंगा, क्योंकि रायपुर तो जाना नहीं है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता ही रखा है क्या प्रॉब्लम है ना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नए ब्लॉग में, और ये ब्लॉग पसंद आएगा तो भाई लाइक कर देना, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा बाय बाय दोस्तों।